हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंपली गीता। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। तो आज हम लोग जा रहे हैं मंदिर पलटा देवी। तो ये उसी रास्ते पे है, ये पहली बार हम लोग जा रहे हैं ना, उसके दर्शन कराते हैं। और रास्ते में कुछ ऐसा लगा जो दिखाने लायक होगा वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। गुड मॉर्निंग बोलो सबको। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। गुड मॉर्निंग। हाँ तो बताइए पलटा देवी क्या क्या है? पलटा देवी महाभारत काल से जुड़ा है। हाँ? इनका जो किदवंती जो कहानियाँ है। हाँ? वो महाभारत काल से है। महाभारत काल यानी द्वापर युग। हाँ? इसमें ये कहा गया है कि पांडव लोग जब अपना राज्यपाट हार गए। हाँ? और 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास इनको मिला। हाँ? तो वनवास खत्म होने के बाद जब ये अज्ञातवास में जा रहे थे तो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे पहुँचे थे। ये जो पलटा देवी मंदिर है, तत्कालीन बहुत घना जंगल था, वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ युधिष्ठिर जी का पगड़ी, उस वक्त वो पगड़ी धारण किए थे मुकुट के रूप में, तो पगड़ी इनकी गिर गई। और पगड़ी गिरना अशुभ माना जाता था। सहदेव सबसे छोटे भाई थे, सहदेव ये ज्योतिषी भी थे। इन्होंने देखा और बताया कि यहाँ पे देवी हैं। तो रात में युधिष्ठिर सोए, इनको सपना आया और सपना में अज्ञातवास का दिशा निर्देश माता के द्वारा इनको दिया गया। सुबह उठने के बाद ये जाने से पहले पूजा पाठ किए और उनसे मन्नत मांगे कि मेरा राज्य पलट कर, शब्द आया था पलट कर मिल जाएगा तो मैं यहाँ मंदिर की स्थापना करूँगा। राज्यपाठ मिलने पर वो आए और देवी की स्थापना और भगवान शिव की स्थापना की। तब से देवी पलटा देवी के नाम से जानी जाती है। और ये मान्यता है कि यहाँ पे जो भी मन्नत मांगेगा वो मन्नत पूरी होगी। तो मैं भी कभी नहीं गया हूँ लेकिन इसके बारे में पढ़ा हूँ, आज पहली बार मैं भी जा रहा हूँ। तो ये है पलटा देवी की कथा की वहाँ की मान्यता यही है। एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि कभी भी आप मंदिर वगैरह जाइए कि ये सिद्ध मंदिर है या मन्नत पूरी होती है, तो कभी भी आप किसी के बारे में भी गलत मत सोचिए कि उनका ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। आप मंदिर जाइए, दर्शन करिए, आपकी जो इच्छा उसको करिए। किसी के बारे में गलत कभी भी धारणा बना के मत जाइए कि उनका बुरा हो जाए तो हम ये करेंगे, कभी नहीं। आप जाइए अपने मन की शांति के लिए, दर्शन करने के लिए, अच्छी मन्नत मांगिए। तो आज हम लोग भी जा रहे हैं माता के दर्शन करने। मुकुट गिरने से, मुकुट माने पगड़ी, उस वक्त जो पगड़ी मुकुट था, मुकुट गिरने से मुकुट्टा भी कहा गया, मुक्ता देवी। हाँ मुक्ता, लेकिन अब शायद संभवतः मेटुका, टूटते टूटते मेटुका या मेटुके से कुछ नाम से भी प्रसिद्ध है। तो वहाँ चलते हैं और देखते हैं। अभी तो किदवंतियाँ हैं, लोगों के से सुनी हुई बातें हैं और पहली बार जा रहे हैं तो देखते हैं वहाँ क्या है। वहाँ का ब्लॉग मैं बनाऊंगी। अब देखिए, हम लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया है और आगे बढ़ना है। ये वही रास्ता है लेहड़ा मार्ग, लेहड़ा देवी वाला रास्ता। और ये जंगल बहुत बड़ा जंगल है। ये लेहड़ा देवी मार्ग से पहले ही हम लोग सिद्धार्थ नगर में पड़ेगा। क्या है पूरा सिद्धार्थ नगर, सिद्धार्थ नगर। और वहाँ से आगे रास्ता है, उधर से लेफ्ट हम लोग मुड़ जाएंगे बाएं तरफ। और अभी हम लोग सीधे जा रहे हैं जंगल वाला रास्ता। बेटी मुड़ जाएंगे ना तो उसका। ये देखिए, हम लोग एकदम जंगल के किनारे किनारे चल रहे हैं। बहुत खूबसूरत लग रहा है ये एरिया। ये तो लग रहा है हम लोग पहाड़ की तरफ जा रहे हैं। बहुत 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 खूबसूरत है। ज़ूम कर रही हूँ थोड़ा। ये देखिए एकदम लग रहा है पहाड़ पे हम लोग चल रहे हैं। बहुत ग्रीनरी है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। हम जानते हो कहाँ नदी। हाँ ये देखो, ये लाइन है ना, ये देखो ये पुल है ना, ये वाली पुल देखो, ये वाली इसको विशेष रिकॉर्ड करो। और इसी के नीचे हम उतर के देख रहे थे, खेल रहे थे और गाड़ी यहाँ खड़ी थी और ये रोड नहीं था इधर। नया बगीचा कितना बड़ा है, तो पनियाला भी होगा गीता। हाँ पनियाला इधर ही का तो है, इसी एरिया का है ना पनियाला। भारत में ना लगभग समझे कि यही मिलता है इसी एरिया में, मतलब गोरखपुर से लगे एरिया में, यहीं पे ना, और नहीं कहीं भी है। ये देखिए
के सूट ले जा रहा, अच्छा लग रहा, कैसे दे रहा लेते। बहुत बड़ा फिर बहुत जंगल में हम लोग आ गए, वही बताई थी ना कि जंगल पड़ेगा। ये सामने देखो बहुत सुंदर लग रहा है, इतना ज्यादा पेड़ तो मैंने कभी नहीं देखे थे जामुन के। ये सही बात, आज तक नहीं देखे थे, ये फर्स्ट टाइम है कि फर्स्ट टाइम इतना। और ये बहुत बड़े एरिया में है, बड़े बड़े इधर भी है, और मैं दिखा चारों पेड़ है। और ये पूरा जो रेड वाले दिख रही है ना, हाँ, वो होगी उसकी आम की और महुआ की, महुआ रेड वाला पत्ता ना। बहुत बड़ा, देखिए मैं दोनों तरफ से, रोड के दोनों तरफ जो है ये बगीचा है, और ये सब जामुन है, जामुन के अगले जब थोड़ा और बरसात आए तब इसमें आने निकल जामुन, तब जामुन ही जामुन दिखेगा। जामुन के एक दो पेड़ अब तो वो भी नहीं दिख रहे, कट गए शहर में, गांव में भी कहाँ है, गांव में एक आध पेड़ बस दिख जाएंगे। इस साइड देखो, ये सामने की ओर ना लग रहा, ये पूरा देखिए रास्ते के दोनों तरफ रास्ते के जामुन का बागीचा, जामुन के पेड़ तो थे, जामुन का बागीचा तो। स्पीड कम है हम लोग की, रोड बन रहे हैं, खराब है, बहुत ज्यादा खराब है। अच्छा, एक फायदा है रोड खराब होने से, रिकॉर्डिंग हो जा रही है। बढ़िया, ये दिखाऊं मैं, ये बहुत यूनिक सी चीज, अच्छी चीज देखी, पहाड़ वाली सीनरी फिर आ गई। यानी कि अगर जाना हो ये पीछे का इलाका मंदिर के सामने, लेकिन बगीचा ये पूरा बहुत बड़ा है। इधर देखिए गाड़ी वगैरह खड़ी करने का, यहाँ कढ़ाई भी चढ़ती है, कहाँ चढ़ती है वो नहीं बता पाएंगे। नहीं, सब हमको लगता है सब खड़ा रहता होगा, ये ना तो नवरात्र में भी हमें लग रहा है भीड़ होती होगी यहाँ पे। तो आए हैं, अच्छा लग रहा है हवा। ये देखिए आगे सामने सब इधर दिखाते हैं, अभी मंदिर के जो है वो 3 मिनट बाद खुलेगा 12 बजे, अभी पट बंद है, तब तक आप लोगों को परिसर का दिखाते हैं। बना हुआ है स्थान कढ़ाई चढ़ने का, ये देखिए इधर जो है सब कढ़ाई चढ़ रही है, दिखाऊं आप लोगों को, कढ़ाई मतलब पूरी लोग चढ़ा के, और लपसी या हलवा जिसका भी बना के वो चढ़ाते हैं माता को, उसी को कढ़ाई चढ़ाना कहते हैं, वो यहाँ चढ़ रही है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ जो लोग बाहर जो नहीं समझ पाते हैं कढ़ाई किसको कहते हैं। ये मंदिर के पीछे वाला हिस्सा है, आप लोगों को मैं यहाँ देख के दिखौती भी होती है, लड़की और लड़के एक दूसरे को जहाँ देखते हैं वो भी यहाँ पे हो रहा है। ये
इधर बैठ। अभी जो है पट खुले नहीं है, खुलने वाला है। चलो बैठे हुए हैं, दर्शन के लिए इंतजार कर रहे हैं।